सो हे गाइस, अगर आप भी इस मॉनसून के अगस्त सितंबर के महीने में टूर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। नमस्ते, मैं प्रमोद और मुझे ट्रेवल रिलेटेड वीडियो बनाना बहुत पसंद है। इस वीडियो में आप जानेंगे अगस्त सितंबर के महीने में घूमने लायक इनक्रेडिबल इंडिया के टॉप 5 प्लेसेस के बारे में कि ये कहां लोकेटेड है, क्यों फेमस है, यहां कैसे पहुंच सकते हैं और यहां घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डुअर्स। गाइस, डुअर्स वेस्ट बंगाल के नॉर्थन पार्ट में वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डर पर लोकेटेड है। डुअर्स अपने सेरेन ब्यूटी, टी गार्डन्स, डेंस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए जाना जाता है। ये जगह नेचर लवर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। डुअर्स पहुंचने के लिए आप सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं जो कि डुअर्स से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप टैक्सी या बस लेकर डुअर्स पहुँच सकते हैं या फिर सिलीगुड़ी से धूपगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ से डुअर्स मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है जो लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पे है। आप डुअर्स के ट्रिप में बुक्सा टाइगर रिजर्व, सैम सिंह, गोरुमारा नेशनल पार्क, चिलपाता फॉरेस्ट, चापरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जालपादा नेशनल पार्क को विजिट कर सकते हैं। नंबर 2, लैंसडाउन। गाइस, अब बात करते हैं लैंसडाउन की जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक छोटी सी हिल स्टेशन है। ये जगह अपनी शांति और सुकून भरी एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। लैंसडाउन काफी फेमस है अपने क्लीन और ग्रीन सराउंडिंग्स के लिए। ब्रिटिश इरा के टाइम का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी रहा है। गाइस, लैंसडाउन पहुंचने के लिए आपको पहले कोटद्वार तक ट्रेन या बस लेना होगा जो कि सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है। कोटद्वार से लैंसडाउन लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप टैक्सी या बस लेकर पहुँच सकते हैं। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है जो लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पे है। आप अपने लैंसडाउन की ट्रिप में टिपिन टॉप पॉइंट, भूला ताल, तारकेश्वर धाम, भीम पकोरा, संत मैरिज चर्च, दारवान सीन म्यूजियम, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल वार मेमोरियल को विजिट कर सकते हैं। नंबर 3, अथिरापल्ली। गाइज, अथिरापल्ली जो केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अथिरापल्ली वाटरफॉल को नियाग्रा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये अपनी मजेस्टिक वाटरफॉल्स और लश ग्रीन सराउंडिंग्स के लिए फेमस है। ये प्लेस काफी पॉपुलर है नेचर रवर और फोटोग्राफर के भी। अथिरापल्ली फॉल्स की हाइट लगभग 80 फीट है और ये चालाकुडी रिवर पर लोकेटेड है। अथिरापल्ली पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चालाकुडी है जो यहां से 27 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां से आपको अथिरापल्ली के लिए टैक्सी या बस की सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यहां अथिरापल्ली फॉल्स, बजाचर फॉल्स, सोलायर डैम, चापरा वाटरफॉल, थुम्बुरमुझी डैम और गार्डन को विजिट कर सकते हैं। नंबर 4, कन्याकुमारी। गाइज, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये जगह अपनी यूनिक और जियोग्राफिकल लोकेशन और ब्यूटीफुल सनराइज और सनसेट के लिए फेमस है। कन्याकुमारी एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप एक ही दिन में सनराइज और सनसेट दोनों देख सकते हैं। ये जगह रिलीजियस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी जाना जाता है। कन्याकुमारी पहुंचने का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी स्टेशन है जो सिटी के अंदर ही लोकेटेड है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 90 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक टैक्सी या बस की सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइज, आप अपने कन्याकुमारी के टूर प्लान में कहां कहां विजिट कर सकते हैं इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लास्ट, नंबर 5, कुमारकोम। गाइज, कुमारकोम जो केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कुमारकोम अपने बैक वाटर्स और सेरेन एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। कुमारकोम बैक वाटर्स और हाउस बोट्स के लिए काफी फेमस है। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी भी काफी पॉपुलर है जो माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है। कुमारकोम पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कोट्टयम है जो यहां से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां से आपको कुमारकोम के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगा। कुमारकोम के ट्रिप में आप कहां कहां विजिट कर सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, सो गाइज, ये रहे टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट ड्यूरिंग मॉनसून मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। सो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। तो गाइज, इस मॉनसून के महीने में आप इनमें से कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।